तो चलिए गाइस अभी 40 किलो के साथ प्लान करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू जिम ब्लॉग। पहले जिम में आके मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया और स्ट्रेचिंग करने के बाद पुशअप पुलअप स्क्वाट्स लगाया। फिर मेरा आज के वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है और मैं फोरआर्म्स के वर्कआउट से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं लैट पुल डाउन का 5 सेट लगाता हूँ और आज थोड़ा सा बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ फील हो रहा था। अब मैं इसमें बॉक्स लगा दिया हूँ और बॉक्स के साथ अभी बैक का वर्कआउट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेट। ये वाला वर्कआउट का मैं 5 सेट लगाने वाला हूँ और फेल्योर तक जाने वाला हूँ, इसलिए अभी मैं एक एक हमारे से वेट बढ़ा रहा था, आज दो बढ़ाते हैं। इस 25 केजी में था, 35 में तो लगा दिया। आप देख के बताना आप पोस्टर सही है या गलत है। गाइस, इसमें मैं 45 केजी के साथ ढंग से लगा नहीं पा रहा था, लेकिन अभी 55 केजी पे मार चुका हूँ और अभी लास्ट सेट फेल्योर सेट 60 केजी करने वाला हूँ। तो देखते हैं 60 केजी पे मैं कितना रेपुटेशन निकाल पाता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा रेपुटेशन निकाल पाऊंगा, फिर भी देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, वेट को मैं 60 केजी कर दिया, तो चलिए अभी इसको खींचते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
लास्ट सेट लगाने वाला हूँ तीसरा सेट, और तीसरे सेट में और 10 किलो ऐड कर देते हैं। तो ये पहले था, देखिए 15 10 10, यानी कि हो गया 25 और 35 किलो हो चुका है। तो देखते हैं कितना रेपिटेशन में निकाल पाता हूँ। चलिए जय बजरंग बली। साहब 10 रेप्स ही निकाल पाया। और अभी थोड़ा सा कोर का एक्सरसाइज करेंगे, पहले मैं प्लैंक लगाता हूँ, उसके बाद सिटअप वगैरह देख के कुछ मारेंगे। तो चलिए प्लैंक लगाते हैं पहले। अभी पहला सेट में मैं 10 किलो को ऊपर रखा हूँ, तो 10 किलो के साथ प्लैंक लगा रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा सा होल्ड करते हैं। मैं अभी टाइमर वगैरह नहीं लगाया हूँ, फिर भी लास्ट तक होल्ड करते हैं जितना मैं झेल पाऊँ। अभी 20 केजी को ऊपर रख के प्लैंक लगाते हैं। 10 किलो के साथ तो ठीक ठाक लगा लिया, लेकिन 20 केजी के साथ दिक्कत होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं 20 केजी के साथ अच्छा खासा 30 सेकंड तक प्लांक कर लिया, मतलब ठीक ठाक ही था। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल 30 केजी के साथ प्लांक करने वाला हूँ। अभी देखिए और 10 किलो में ऐड कर दिया हूँ, तो देखते हैं 30 किलो के साथ प्लांक करते हैं। चालीस किलो के साथ अभी प्लैंक करने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2 20 किलो को लेके आ गया। तो चलिए इसको ऊपर रखते हैं और प्लैंक लगाते हैं, और कोशिश करूंगा कि 20 से 30 सेकंड इसमें रुक पाऊँ। तो चलिए गाइस अभी 40 किलो के साथ प्लैंक करते हैं। तो आज लास्ट वर्कआउट सिटअप ही करते हैं, और सिटअप के बाद आज के वर्कआउट को क्लोज कर देंगे। आप हाफ सिटअप लगा रहा था, अब थोड़ा सा पूरा फुल लगाएंगे, पूरा फुल नीचे जाएंगे और पूरा ही ऊपर आएंगे। दोस्तों आज का मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, और आज का वर्कआउट काफी अच्छा खासा रहा, क्योंकि काफी वेट बढ़ा के मैं मार रहा था। थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ गया है। तो ऐसे ही मैं अपडेट देता रहूंगा, मेरा अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हुआ तो भी उसको मैं वीडियो के माध्यम पे अपलोड करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।